हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड किंग। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला है, पर कोई नहीं, आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। तो ये ट्रिक कुछ ऐसा है, कुछ नंबर्स का खेल है। जैसे सबसे पहले मैजिशियन क्या करता है, अपने दर्शक से पूछता है 1 से 10 के बीच में कोई नंबर बोलिए। तो दर्शक मान लीजिए 5 बोलते हैं, तो दर्शक भी बोलता है ठीक है, मेरे तरफ से भी 5। यानी कि हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ और रैंडम नंबर है 55, और आपकी याद के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है 55 को। तो फ्रेंड, अब 55 नंबर को आपको याद रखना है। अब मैजिशियन क्या करता है, अपनी डेक लेता है और डेक को क्या करता है, सामने जो बैठे दर्शक हैं उनको बोलता है इसको एक कट दे दो, यानी कि आधे हिस्से उठा लीजिए। तो बेसिकली आधे उससे उठा लेते हैं, फिर दर्शक एक डेक को ले लेते हैं, उसमें से एक गड्डी को, और एक गड्डी को मैजिशियन अपने पास रखता है। फिर कहता है मैजिशियन, जो सामने बैठे दर्शक को आप मिक्स कर लो, और इसी तरह से मैजिशियन भी अपने डेक को मिक्स कर लेता है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स है, एक नंबर जनरेट हुआ और बाद में दोनों ने मिक्स किया। उसके बाद मैजिशियन दर्शक से कहता है कोई भी एक कार्ड निकाल लो, और यहाँ पे एक रैंडम कार्ड जनरेट होता है 4 ऑफ डायमंड। अब मैजिशियन बोलता है कि आपने 4 निकाला, यानी कि इसकी नंबर पे हम जाएंगे, तो हम चौथा कार्ड को यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि यही वाला कार्ड, ये वाला नहीं, ये वाला कोई एक कार्ड को हमें देखने जरूरत नहीं, ये वाला कार्ड को देखना है, चौथा कार्ड। और देखिए, ये जैसे पिक्चर कार्ड निकला, इसका मतलब इसको हम काउंट करेंगे 10। हमारी इस जो गेम में ऐसा होगा कि जो नंबर होगा, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 10वां कार्ड, ये देखिए 2 आया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 10 काउंट करेंगे, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये 6 आया, फिर 6 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में फिर से 10 आया। अब ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारे जो कार्ड हैं उसको डील करेंगे। अब देखिए, रैंडमली नंबर जनरेट हो रहा है और उसी हिसाब से हम कार्ड डाल रहे हैं, और आखिर में सारा कार्ड ख़त्म हो गया। अब बेसिकली ये एक नॉर्मल सा गेम था, एक नंबर जनरेट हुआ उसी हिसाब से हमने कार्ड डील किया, बट यहाँ पे हमारा मैजिक पता चलता है। यानी कि ये जो रैंडमली जनरेटेड कार्ड है, आपको ये नंबर याद है जो हमने पहले जनरेट किया था, ये बिल्कुल रैंडम नंबर है। अब देखिए, हमने जो जो रैंडम कार्ड हमने निकाला है उसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, और आपको यकीन नहीं होगा जब इसको प्लस करें, 6, 10, 16, 9, 25 और ये 29 और ये 33, 43, 45 and 55। फ्रेंड्स, ये वही नंबर है जो नंबर हमने रैंडमली जनरेट किया था, और ये बिल्कुल ही असंभव सा लगता है क्योंकि रैंडमली मिक्स हुआ, रैंडमली सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार वही नंबर निकला जो हमने पहले से जनरेट किया था। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को आप भी सीख सकते हो, बस आपको देखना पड़ेगा इसके लिए मेरा ये ट्यूटोरियल। सो बिना देरी किए लेट्स मूव टू द ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अब इसकी ट्यूटोरियल में क्या है, आपको एक छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा। जब मैजिक ट्रिक दिखाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या कहिए, किसी भी मतलब जैसे नॉर्मल डेक से आप कर सकते हैं, आपको क्या करना है, एक जो एक 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे किसी अलग अलग सूट का भी ले, अलग अलग सूट का लेके 1 से लेके 10 तक करना, और एक 9 को आपको ऐसे रख लेना है, आगे रख लेना है, और इस 9 को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको बॉटम पे जाएगा ये, उसके बाद आप क्या करेंगे, सामने बैठे दर्शक को बोलिए एक नंबर सोचने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, दर्शक 5, 10 में 5 नंबर ही चूज करना चाहिए, यानी कि 51 से लेके 59 तक आपको चूज करवाना है, उसी हिसाब से ये ट्रिक काम करेगा। तो आपको कैसे भी करके फोर्स करना है 50 नंबर, जैसे आपने 1 से लेके 10 तक वाला कोई अगर दूसरा नंबर उन्होंने बोल दिया, तो आप क्या करना, सबसे पहले 5 लगा देना, यानी कि इस तरह से मतलब 51 से लेके 59 नंबर सिलेक्ट होना पड़ेगा। एक बार 51 से 59 सिलेक्ट हो गया, फिर कार्ड को आधे करने के लिए बोलिए, जैसे मैंने परफॉर्मेंस पार्ट में दिखाया था,
उसके बाद उनको बोलिए मिक्स करें, और जब वो मिक्स कर रहे हैं आपको क्या करना है, और मिक्स करके एक पत्ता उठाने के लिए बोलेंगे, लेकिन जब वो मिक्स कर रहे हैं आपको क्या करना है, सिंपली जैसे उन्होंने 51 बोला, मान लो इस बार 51 बोला, तो आपको क्या करना है 59 ऐड करना है, यानी कि 8 कार्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 कार्ड आपको इसकी बॉटम में डाल देने हैं इस तरह से, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और 50 जिसे 59 बनाना है, 52 बोलते तो आपको 7 कार्ड होता, और फिर उनको एक कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोलिए। इस बार उन्होंने 10 ऑफ स्पेड्स सिलेक्ट किया। अब सारे डेक को डेक के ऊपर रख दीजिए। अब फ्रेंड्स क्या करना है, अब आपका ट्रिक हो गया है, यानी कि ट्रिक ख़त्म हो चुका है। अब जैसे 10 कार्ड निकालेंगे, 10 का 1, 2, 1, 2 ऐसे के 10 कार्ड अगर होगा तो इसको फेस अप करके नहीं करना, फेस डाउन कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां कार्ड जब निकालेंगे, ये 2 आया यानी कि 2 कार्ड, 1, 2, अब ये 5 आया तो यानी कि 5 कार्ड, 1, 2, 3, 4 और ये 5, या फिर से 2 आया। इसी तरह से आपको क्या करना है, मतलब आखिरी तक ऐसे करना है, और ये दर्शक से ही करवा सकते हैं। जब दर्शक से कराएंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव बनेगा, क्योंकि सब कुछ दर्शक करेंगे और लास्ट में उनको एकदम सरप्राइज सा लगेगा कि ये कैसे हो गया। सो इसी तरह से आपको सारे कार्ड को ख़त्म कर लेना है। और जैसे मैं इस तरह से जैसे सारे कार्ड ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में आपको एक चीज़ है कि जब 9 निकलेगा यानी कि आपका ट्रिक काम कर गया। जो 9 आपने की कार्ड डाला था, इसका मतलब आपका जो ट्रिक है वो काम कर गया। अब क्या करना है, अब ये देखेंगे, जैसे 9 ये आपका की कार्ड है, इससे आपका ट्रिक वर्किंग हुआ कि नहीं वर्किंग हुआ वो पता चलता है। अब अभी भी वर्किंग हो गया। अब इसको जब सारे कार्ड्स को जब ऐड करेंगे, 9, 1, 10, 10, 20, 28, 32, 34, 39, 39, 41 और ये है 10, 51, एग्जैक्टली वो नंबर जो नंबर पहले हमने सोचा था। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ट्रिक। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।